बिग बॉस 15 के घर में हो गए हैं चार लोग नॉमिनेट। वेल, ये चार कंटेस्टेंट्स कौन हैं और किस तरह से इन चार स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट में से इस हफ्ते होने वाले हैं एक कंटेस्टेंट एविक्ट, चलिए पूरी खबर मैं बताती हूँ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, आपने तो देखा ही था कि निशान भट्ट जब कैप्टन बने थे तो बिग बॉस ने उन्हें इस बात की हिदायत दी थी कि आपको 8 ऐसे कंटेस्टेंट्स का नाम लेना है जिन्हें आप नॉमिनेट करना चाहते हैं और वो कंटेस्टेंट्स घर के सबसे ज्यादा रूल्स को ब्रेक करते हैं। वेल, निशान भट्ट ने तो 8 कंटेस्टेंट्स का नाम दे दिया और इस बात का खुलासा लाइव फीड में तो नहीं हुआ था, लेकिन कल के एपिसोड में इस बात का खुलासा किया गया कि बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट्स को एक एक करके बुलाया और एक एक करके बुलाने के बाद उन कंटेस्टेंट्स का नाम बोलने को कहा जिन्हें वो सेव करना चाहते हैं। वेल, ये तो नहीं बताया गया है अब तक कि आखिरकार कौन से कंटेस्टेंट ने, कौन से नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट ने किस नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स को सेव किया, लेकिन फिलहाल जो सेव कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से नाम है ईशान सहगल, अफसाना खान, मायशा अय्यर और साथ ही साथ सिम्बा नागपाल। वेल, ये चार कंटेस्टेंट्स हो गए हैं सेफ और चार कंटेस्टेंट जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं बिग बॉस 15 के घर के वो हो गए हैं नॉमिनेट। जी हाँ, शमिता सेट्टी, करण कुंद्रा, विशाल कोटियान और साथ ही साथ उमर रियाज। वेल, आपको बता दूं कि शमिता सेट्टी और साथ ही साथ करण कुंद्रा को तो नहीं किया जाएगा घर से आउट, क्योंकि शमिता सेट्टी तो बिग बॉस के मेकर्स के फेवरेट है और साथ ही साथ करण कुंद्रा तो तेजस्वी के साथ अभी लव स्टोरी बनाना ही शुरू किए हैं, तो ये दोनों का तो आउट होना बिल्कुल भी नहीं चांसेस है। बात रहा विशाल कोटियान और साथ ही साथ उमर रियाज का, तो विशाल कोटियान भी शमिता सेट्टी के साथ है तो इनका भी कम चांसेस है कि वो घर से बेघर हो सकते हैं, लेकिन उमर रियाज का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि बिग बॉस उन्हें घर से निकालना चाहते हैं। वेल, वोट्स कितना भी मिल जाए लेकिन अगर ज़रा सा भी डिफरेंसेस होगा तो बिग बॉस के मेकर्स ऑब्वियस है कि उमर रियाज को घर से बेघर करेंगे। वेल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे शाम के साथ। धन्यवाद।